हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ब्लिंक स्पार्कल। आज का जो वीडियो है इसमें मैंने आपको फेस्टिव मेहंदी डिज़ाइंस को इंक्लूड किए हैं। तो कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, या तो वो ईद है, दिवाली है, करवा चौथ है, तीज है। तो ये जो सारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं इसमें लड़कियाँ काफ़ी पसंद करती हैं मेहंदी को अप्लाई करना। तो अगर आप ही काफ़ी फॉन्ड हैं और पसंद करती हैं, कभी कभी हम लोग स्पेशल ओकेजन में, फेस्टिवल ओकेजन में मेहंदी लगाते हैं, तो आप इन मेहंदी डिज़ाइन को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप खुद से करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिज़ाइन हैं। और अगर आप बाहर से करवा रहे हैं या फिर आप मेहंदी आर्टिस्ट प्रो हैं, तो भी आपको इसमें बहुत खूबसूरत डिज़ाइन मिल जाएंगे। काफ़ी सारे इसमें इंडियन और अरबिक पैटर्न्स हैं। आप देखेंगे स्पर्ल्स के साथ, अरबिक रोज़ेस और क्रीपर वाइन्स के साथ, बेल मेहंदी जिसको कहते हैं, फिंगर मेहंदी भी हैं। और इस तरीके के पाम मेहंदी काफ़ी इजी रहती है ड्रॉ करनी और बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरीके का भरा हुआ हाथ आपको पसंद है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। फ्लावर मेहंदी हैंड, इस तरीके का बैक हैंड मेहंदी आप डाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ बैक हैंड मेहंदी डालना पसंद करेंगे, तो आप ईद में फ्रंट हैंड दिखता नहीं है, इसलिए तो बैक में आप चाहे तो इस तरह के डाल सकते हैं। और फ्रंट को आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल मेहंदी आप फ्रंट में डाल के पीछे इस तरीके का इंट्रिकेट मेहंदी आप पीछे करवा सकते हैं। सो आई रियली होप आपको उसमें मैंने जो इंट्रिक और ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ राजस्थानी एंड इंडियन एंड अरबिक मैंने जो इंक्लूड किया आपको पसंद आए होंगे। आपका फेवरेट कौन सा है, फेवरेट कौन सा है ज़रूर बताएं इन सारे मेहंदी डिज़ाइंस में से कमेंट करके। और ये मेरा फेवरेट है, आप देख रहे हैं फ्लावर्स का मिक्स एंड मैशअप काफ़ी प्रिटी लगता है। इस तरीके का इजी होता है डॉट्स और लीव्स के साथ। और जो टफ है आप उसको प्रैक्टिस करते रहें, आप अगर बिगिनर हैं तो